हरिद्वार के गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की मुड़ स्थापना के लिए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संयुक्त अभियान छेड़ दिता है। इस संबंधी गुरद्वारा रकाबगंज साहिब के कानफ्रेंस हाल में कानफ्रेंस की गई। श्रोमणी कमेटी प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बंडूंगर और दिल्ली कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जीके ने विश्वव्यापी पद्धर से होने वाले प्रोग्रामा की रूपरेखा तैयार करने की जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं अपील की है। आगुआ ने दसिया कि गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी मुहिम के तहत संसार भर में वसदे सिखां दीआं भावनावां गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण छो प्राप्त उक्त अस्थान नाल जोड़न लई कौम दी इह कोशिश है। जीके ने कहा कि जथेदार साहिब वल्लों इस संबंधी जो भी प्रोग्राम संगतां नूं आदेश रूप में जारी किया जाएगा दोवें कमेटियां उस ते पहरा देणगियां। जीके ने भी स्पष्ट किया कि गुरु साहब जी के 2019 आ रहे 550वें प्रकाश पुरब न हरिद्वार गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब मनाउण दे लई संगतां नूं जागरूक करन अते उत्तर प्रदेश अते उत्तराखंड दीआं सरकारां दे नाल चल रहे जमीनी विवाद नूं निपटाउण दे लई कमेटी वल्लों इह कवायद शुरू की जा रही है। असीं लड़ाई शुरू की है कि साडा हक बणदा गुरु नानक पातशाह दी अस्थान की निशानदेही होनी चाहिए है। गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी जिहड़ा उत्थे मौजूद सीगा सानू वापस मिलना चाहिए। समुचे गुरु नानक नाम लेवा सारे धर्मां दे लोकां नू सारे इंसाफ प्लस पसंद लोकां नू असीं अज अपील की है। और सार कृपाल सिंह होरां ने अकाल तख्त दे जथेदार साहब नू भी अपील की है कि वह अगला प्रोग्राम जिहड़ा वह सारा इहदा उलीकण 14 तरीक नू सवेरे 9 बजे स्थानक टाइम अमेरिका जदों 9 बजन पाकिस्तान जदों 9 बजन क्योंकि मैं ननकाणा साहब तो भी मैसेज आ गया कि गुरद्वारा ननकाणा साहब भी उस दिन ये पाठ जरूर होएगा और हरिद्वार जिहड़ा स्थान है उस स्थान के उत्ते भी जपजी साहब का पाठ जरूर होएगा। इस तरीके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिंह सभावां सेवक जथे असी सारिया अपील करते हैं इस मुहिम का हिस्सा बनन और ये जगह सानू मिलनी चाहिए है। जे राम जन्म भूमि की गल की जाती है जी हज़ारा साल पुरानी गल है लेकिन 500 साल पुरानी जी साड़ी हिस्टरी है। मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार योगी सरकार और उत्तराखंड की सरकार ये साड़ी मंग नूं जरूर मनणगे और साडा स्थान कौम दे हवाले